विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है और जिस तरह से ऐलान हुआ है उसके बाद से ही पूरी सियासत जो है देश भर में वो बदलती जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव है और 5ों राज्यों पर अगर नजर डालें तो जिस तरह से वहां पर सियासी समीकरण जो है, सियासत जो है वो जिस तरह से रूप ले रही है, वो कहीं ना कहीं वो पूरा एक नेशनल जो न्यूज है उसमें नजर आ रही है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं और क्या खास मुद्दा है अभी उत्तराखंड में, इस बारे में बात की जाएगी। जिस तरह से अभी तक पीएम मोदी वहां पर रैलियां कर रहे थे, जिस तरह से वहां पर उद्घाटन हो रहे थे और जिस तरह से बातें नजर आ रही थी, उसमें लग रहा था कि डेवलपमेंटल इश्यूज जो है वो बहुत बड़ा एक मुद्दा बनेगा इस चुनाव में और उस पर जो है वोटिंग की जा सकती है। लेकिन अब जिस तरह से दल बदल वहां पर हो रहा है उत्तराखंड में, वो अब एक नेशनल इश्यू जो है उसमें तब्दील होता जा रहा है और अब कहा जा रहा है कि एक हरक सिंह रावत जो है उनको लेकर अब काफी विवाद शुरू हो चुका है। बीजेपी और कांग्रेस की जो पूरी नजरें हैं वो हरक सिंह रावत पर है। कहा जा रहा है कि उनकी जो सीट है हरक सिंह रावत की, वो काफी ज्यादा ताकतवर सीट है और उस पर दोनों पार्टियों को जो है फायदा और नुकसान हो सकता है। आज हम बात करेंगे आज का मुद्दा में हरक सिंह रावत की और बात करेंगे कि इस बात पर कि जिस तरह से हरक सिंह अब रावत ने ऐलान कर दिया है कि वो कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, तो कांग्रेस के अंदर भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि दो फ्रैक्शंस हो गए हैं कांग्रेस के अंदर, जो चाहता है कि हरक सिंह रावत को कांग्रेस में लिया जाए और एक जो इसका विरोध कर रहा है। वहीं पर बीजेपी जो है वो सीट के जो बंटवारा है और जो सीट का टिकटों का देने का जो बात कही जा रही है उस पर भी काफी ज्यादा विवाद शुरू हो चुका है। उस पर काफी मीटिंग की जा रही है और इस बात पे कहा जा रहा है कि वहां पे परिवारवाद जो है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाएगा उत्तराखंड के चुनावों में। तो इस तरह की चीजें जो है वो लगातार चुनावों में हो रही हैं। बहुत दिलचस्प चुनाव होने वाला है। आज हम बात करेंगे हरक सिंह रावत की। मैं हूँ हिना फातिमा आपके साथ और मेरे साथ आज मौजूद हैं द प्रिंट के सीनियर एडिटर शंकर अरनिमेश। बहुत बहुत स्वागत है शंकर जी आपका। बिल्कुल, आपका भी हिना बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर जी, मैं आपसे इससे पहले सवाल करूं, मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई सवाल है विधानसभा चुनावों से रिलेटेड या कांग्रेस या बीजेपी या राजनीति से कोई भी रिलेटेड आपका सवाल है तो आप हमें हमें हमारे ट्विटर पर, फेसबुक पर और यूट्यूब चैनल जो है उस पर जाकर हमसे सवाल कर सकते हैं। वो सवाल मैं शंकर जी के पास जरूर पहुंचाऊंगी और वो हमारे एक्सपर्ट है तो वो आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। शंकर जी, जिस तरह से देखा जाए हरक सिंह रावत जो है, माफ कीजिएगा, उनकी जिस तरह से अभी तक दल बदल की राजनीति रही है वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। बीजेपी से उनकी शुरुआत हुई थी, बीएसपी में भी वो गए, फिर उसके बाद वो बीजेपी में दोबारा गए, कांग्रेस में रहे वो। अब जिस तरह से इनकी ये टैक्टिक्स है और जिस तरह से वो स्ट्रेटेजी अपनाते रहे हैं, अब जिस तरह से पूरा राजनीति उनके इर्द गिर्द हो रही है उत्तराखंड में, ये टैक्टिक जो है उनकी दल बदल करने की और जीत हासिल करने की कितना कामयाब रही है वो अभी तक और क्या असर हो सकता है इसका? देखिए हिना, फिलहाल तो जो हरक सिंह रावत की जो पूरी स्ट्रैटजी थी, एक तरह से कहे कि जिस तरह से वो उत्तराखंड के स्वामी प्रसाद मौर्य बनना चाहते थे, उसको बीजेपी ने बहुत टाइमली सेंस करके उस पूरे एफर्ट का भंडाफोड़ कर दिया। एक तरह से जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्विच ओवर किया समाजवादी पार्टी में, और बीजेपी हाईकमान को टाइमिंग की भनक नहीं थी और एक के बाद एक विकेट वहां पे गिरते गए और उससे काफी एक तरह से एम्बैरेसमेंट हुई बीजेपी लीडरशिप की उत्तर प्रदेश में, वैसे ही हरक सिंह रावत करना चाहते थे। वो जब संडे की रात में दिल्ली में थे अपने समर्थक के साथ, जो उनका समर्थक विधायक था, और वो कांग्रेस लीडरशिप के साथ मुलाकात कर रहे थे, उसी समय बीजेपी हाईकमान को ये सूचना मिली और बीजेपी हाईकमान ने उन्हें कैबिनेट से ड्रॉप कर दिया, पार्टी से निकाल दिया। तो एक तरह से जो स्वामी प्रसाद मौर्य बनने की उनकी जो स्ट्रैटजी थी वो तो विफल हो गई। और बीजेपी के इस एक्शन से हुआ क्या कि जो हरक सिंह रावत की जो बार्गेनिंग पावर थी, कि वो बीजेपी में रहते हुए कैबिनेट मंत्री रहते हुए जो कांग्रेस से बेटर बार्गेन कर सकते थे, उस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वो सारी जो स्ट्रेटजी थी धरे के धरे रह गई, क्योंकि आज की स्थिति में कांग्रेस में भी डिविजन है, कांग्रेस में अल्टीमेटली वो जाएंगे, लेकिन उनकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो कम हो गई और एक तरह से कहें कि ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे, तो एक तरह से बीजेपी को इसमें सफलता मिली। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, पॉलिटिक्स में जो आया राम गया राम जो आते हैं डिफेक्टर, उन सबको हर एक पार्टी ने अडॉप्ट किया है, चाहे वो हरक सिंह रावत हो या फिर बहुगुणा हो
इन सबकी बदौलत बीजेपी की सरकार बनी थी, आपको याद होगा कि जो पिछली सरकार थी, तो इसलिए ये वापस कांग्रेस में जा रहे हैं तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखने वाली बात होगी कि ये अपने साथ कुछ और डिफेक्शन करते हैं या बीजेपी ने इनको निकाल करके अपना खेमा बचाया है, तो आने वाले दिनों में पॉलिटिक्स किस तरह से प्ले होती है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा शंकर जी कि जिस तरह से रावत इतने अहम फैक्टर क्यों हैं अभी तक, जिस तरह से, क्योंकि बात कही जा रही है कि जब भी उन्होंने दल बदला है हमेशा उनको फायदा हुआ है और अभी तक कोई असेंबली इलेक्शन वो हारे नहीं है, तो ये खास तौर से जो इस पर ये चुनाव लड़ता है हरक सिंह रावत, वो इतनी अहम क्यों हो जाती है और क्या बीजेपी को उससे नुकसान हो सकता है? देखिए, उत्तराखंड की अगर पॉलिटिक्स को समझें, या कहें कि उत्तराखंड के साथ में जो छोटे राज्य हैं, जो स्मॉल स्टेट हैं, वहां की पॉलिटिक्स को समझें, तो हर एक एमएलए यानी कि एक एमएलए भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आपको याद होगा कि उत्तराखंड में जब भुवन सिंह खंडूरी चीफ मिनिस्टर थे बीजेपी की तरफ से, और उस इलेक्शन में खंडूरी साहब की सरकार अगले चुनाव में इसलिए नहीं बन पाई कि वो अपनी सीट ही हार गए थे। बीजेपी के जो अपने डिसिडेंट थे उन्होंने खंडूरी को हराने का काम किया था, और बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मात्र एक सीट का फासला था, यानी कि बीजेपी का जो नंबर था और जो कांग्रेस का नंबर था उसमें सिर्फ खंडूरी की हारी हुई सीट का फासला था। तो जो स्मॉल स्टेट होते हैं, मसलन की उत्तराखंड, झारखंड, गोवा, मणिपुर, ऐसे जो राज्य हैं जहां की असेंबली छोटी है, वहां पर एक दो एमएलए का डिफेक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उत्तराखंड में तो ये बहुत बार हो चुका है कि एक दो एमएलए सरकार बना सकते हैं, गिरा सकते हैं, क्योंकि वहां की टाइट स्थिति अगर असेंबली की होती है, वर्डिक्ट बहुत ही नैरो होता है, तो एक दो मिनिस्टर या एमएलए बहुत काउंट करते हैं। और चूंकि हरक सिंह रावत उस तरह के इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं जो कि हर एक पार्टी में रहते हुए उन्होंने, आप देखिए कि एक बार भी, हर एक बार उन्होंने अपनी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी बदली है, लेकिन हर एक बार वो जीते हैं। कोई एक सीट से वो लगातार नहीं जीतते आए हैं, अलग अलग बार अलग अलग सीटों से वो लड़ते हैं। और इस बार जो उनकी डिमांड थी कि वो दो तीन सीट चाह रहे थे, अपनी पुत्र वधु के लिए सीट चाह रहे थे, अपने लिए चाह रहे थे, अपने एक और परिवार के लिए, केदारनाथ की सीट, डोईवाला की सीट, कोटद्वार की सीट, ये तीन सीटों की उनकी डिमांड थी। जो बीजेपी हाईकमान एक किसी फैमिली को तीन सीटें तो नहीं दे सकता, दो सीट भी दे दे तो बहुत ज्यादा है परिवार के लिए, तो इसलिए उनकी बात नहीं बनी। और ये कोई नोन बात थी, वो पिछले काफी दिनों से, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी उस समय से वो त्रिवेंद्र सिंह रावत पे लगातार अटैक करते रहे थे, दोनों के बीच में काफी 36 का आंकड़ा था, और ये माना जा रहा था कि हरक सिंह रावत कभी भी डिच कर सकते हैं, गच्चा दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी हाईकमान एक बड़ी पैनी नजर उन पे रखा हुआ था। कैसे रखा हुआ था वो सब हम जानते हैं कि कैसे रखा जाता है सर्विलेंस, तो उन पे पैनी नजर रखी जा रही थी और एंड टाइम पे उन्हें निकाल दिया गया, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सर्विलेंस का नतीजा था। बिल्कुल, अगर अपने दर्शकों से मैं बात करना चाहूंगी कि अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, वो सवाल मैं शंकर जी तक जरूर पहुंचाऊंगी। शंकर जी, मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि जिस तरह से बीजेपी ने जो कहकर जिस तरह से हरक को निकाला है कि वो परिवारवाद की जो है राजनीति नहीं करेंगे या परिवारवाद नहीं जाने देंगे, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा हरक सिंह रावत को निकालने का, या इस जो स्टेटमेंट है क्या संदेश क्या है उत्तराखंड के अंदर इसे लेकर? देखिए, इसका कोई बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, हर एक पार्टियां करती है। ये बीजेपी कह रही है कि वो परिवारवाद को टिकट नहीं देगी, लेकिन अलग अलग जगहों पे उन्होंने परिवार के लोगों को, फैमिली के लोगों को टिकट दिया भी है, और यूनियन कैबिनेट से लेकर स्टेट कैबिनेट में भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के लोग हैं। जो बड़ा फैक्टर इस समय है उत्तराखंड की पॉलिटिक्स में, जो हरक सिंह रावत के जाने या आने से जो खड़ा हुआ है, कि बीजेपी एक परसेप्शन और उस तरह की पॉलिटिक्स कम से कम पब्लिक में वो नहीं दिखाना चाहती कि वो एक जीती हुई पार्टी है, सत्ता में है, और वो अपने कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन नहीं करना चाहती, ये मैसेज नहीं देना चाहती कि एक के बाद उसके एमएलए छोड़ रहे हैं, विधायक छोड़ रहे हैं, मंत्री छोड़ रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ, तो वैसी ही स्थिति उत्तराखंड में ना हो, इसलिए उन्होंने टाइमली डिसीजन लिया। लेकिन ये भी क्रूशियल है कि जो ऐसे हैवीवेट मिनिस्टर हैं जो कि हर एक सरकार में एक मलाई खाना चाहते हैं, जिसमें हरक सिंह रावत हो या दूसरे मंत्री हैं, जो पिछली बार ये बहुगुणा के नेतृत्व में जो एमएलए टूट कर आए थे कांग्रेस से,
तो उस पूरी जो कू हुआ था उस कू का नेतृत्व भले बहुगुणा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में जो उसके पीछे मैन बिहाइंड द उस पूरे कू के थे वो हरक सिंह रावत थे, और हरक सिंह रावत के साथ में बाकी जो एमएलए कांग्रेस से टूटकर बीजेपी की सरकार उन्होंने बनवाई थी, तो वो एक काफी इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं अलग अलग सरकारों में। वो मंत्री नरेंद्र तिवारी की पहली जो सरकार थी, यानी कि उत्तराखंड गठन होने के बाद बीजेपी की सरकार बनी थी, और उसके बाद नरेंद्र तिवारी आए थे उस सरकार में मंत्री थे। उन्होंने कल्याण सिंह की सरकार में जब अनडिवाइडेड यूपी था तो उसमें मंत्री रहे, और उनके बारे में एक कहानी कहते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहानी सुनाई थी कि हरक सिंह रावत उस तरह के पॉलिटिशियन हैं कि वो हमेशा सत्ता की मलाई खाने के लिए उनकी कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स या कोई एफिलिएशन, सबसे लंबा उन्होंने समय सिर्फ कांग्रेस में गुजारा है। जब वो छात्र जीवन में एबीवीपी में थे तो एबीपी के चुनाव, कॉलेज के जमाने की बात है, वो चुनाव में एबीपी के पैनल से खड़े थे, लेकिन चुनाव से पहले 2-3 दिन पहले उन्होंने एनएसयूआई ज्वाइन कर लिया था। तो यानी कि वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए, उनके लिए दल और राजनीतिक दल कोई मायने नहीं रखता, और इस समय वो अपना इंटरेस्ट देख रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस में सबसे बड़ी जो चिंता हरीश रावत की इस समय होगी, क्योंकि हरीश रावत की सरकार एक तरह से हरक सिंह रावत ने गिराई थी, तो हरीश रावत उनको लेने पर कितने सहमत हैं, या फिर कांग्रेस हाईकमान जो है वो हरीश रावत के ऊपर प्रेशर डाल के, दबाव डाल के हरक सिंह रावत की एंट्री करा देगा। तो असली चिंता की बात हरीश रावत के लिए है, क्योंकि हरीश रावत अभी तक उन्हें माफ नहीं कर पाए हैं अपनी सरकार गिराने के लिए। तो कांग्रेस की पॉलिटिक्स किस तरह से शेपअप होगी हरक सिंह रावत के जाने से, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मेरा भी सवाल अभी कांग्रेस से रिलेटेड है कि जिस तरह से कांग्रेस में एक तरह से विरोध हो रहा है, हर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, आज हो सकता है कि वो ज्वाइन भी कर लें, बड़े नेता जो है उनके साथ उनकी बातचीत चल रही है, तो जिस तरह से फ्रैक्शंस हो रहे हैं कांग्रेस के अंदर ही, एक दल जो है वो पूरा सपोर्ट में है और हरीश रावत जो है वो अभी भी माफ करने के मूड में नहीं है हरक सिंह को, तो क्या इससे बीजेपी जो कांग्रेस है उत्तराखंड में वो कमजोर होगी? देखिए, कमजोर दो बड़ी बातें हैं कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है वहां पे उत्तराखंड में, उसमें हरीश रावत निश्चित रूप से इस समय सबसे बड़े नेता है, और पार्टी ने एक तरह से उनके ऊपर बैंक किया हुआ है कि वो उत्तराखंड में कांग्रेस को फिर से सत्ता की दहलीज तक पहुंचाएंगे। जो इस समय दूसरे उनके नेता हैं प्रीतम सिंह, वो कहीं ना कहीं इस समय हरक सिंह रावत को बैक कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि हरक सिंह रावत की एंट्री हो जाए ताकि उनका खेमा मजबूत हो। अब हरीश रावत को ये डिसाइड करना है और कांग्रेस लीडरशिप को डिसाइड करना है कि हरक सिंह रावत के आने से कम अगर 2 सीटें भी प्लस होती है, एक सीट तो जो हरक सिंह रावत खुद जहां से लड़ेंगे, उम्मीद की जा रही है कि देहरादून की वो सीट से लड़ेंगे जहां पे त्रिवेंद्र सिंह रावत पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो उनकी सीट से अगर चुनाव लड़ते हैं और इसके अलावा अगर उनकी बहू को टिकट मिलता है, अगर 2 सीट भी वो इजाफा करने की स्थिति में है, तो निश्चित रूप से हरीश रावत को माफ करना पड़ेगा। अपने पुराने जो रंजिशें हैं और जिस तरह से उन्होंने विश्वासघात किया था, वो सब बातें पॉलिटिक्स में भुलानी पड़ती है, क्योंकि पॉलिटिक्स रोज बदलते हुए गेम और खेल का नाम है। तो इसलिए पुरानी रंजिशों को भुला करके हरीश रावत को, हरक सिंह रावत को इंडक्ट करना पड़ेगा अगर वो ऐड करने की स्थिति में है। अगर उन्हें लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा होगी और हरक सिंह रावत के आने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन लगता है कि कांग्रेस हाईकमान ने डिसीजन ले लिया है कि हरक सिंह रावत को इंडक्ट करना है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को हराना चाहेंगे, और हरक सिंह रावत एक इन्फ्लुएंशियल लीडर है, वो कम से कम 1-2 सीट का को तो ऐड कर ही सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो सारे फैक्शन के विरोध के बावजूद, और जो हरीश रावत की डिमांड थी कि हरक सिंह रावत पहले माफी मांग ले, तो हरक सिंह रावत ने पहले ही माफी मांग ली है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत मेरे बड़े भाई हैं, उनके सामने मैं बहुत बार माफी करने के लिए तैयार हूं कि पिछली जो गलतियां हुई थी उसे भूल जाएं और आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि उसमें ये एक तरह से कांग्रेस हाईकमान की चलेगी, हरीश रावत को वहां पे झुकना पड़ेगा। बिल्कुल, कई सारे सवाल आ रहे हैं। रूपक जैन आपसे पूछ रहे हैं कि सीएम धामी जो हैं वो कितने पॉपुलर हैं कंपेयर टू हरीश रावत? देखिए, पुष्कर धामी एक यंग फेस है, नए काफी जुझारू विधायक रहे हैं, और खास करके कुमाऊं का जो बेल्ट है उसी बेल्ट से हरीश रावत भी आते हैं। हरीश रावत पुराने नेता हैं, काफी जमाने से वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए हरीश रावत की तुलना पुष्कर सिंह धामी से नहीं हो सकती, क्योंकि धामी को अभी बहुत ज्यादा समय भी नहीं मिला है। कुल मिलाकर उन्हें 4 महीने समय मिले हैं और उन्हें चुनाव में जाना पड़ा है। तो अगर
बीजेपी की सरकार बनती है और पुष्कर सिंह धामी कंटिन्यू रहते हैं जो चीफ मिनिस्टर, उसके बाद उनको देखना होगा कि किस तरह से एक चीफ मिनिस्टर के रूप में वो इवॉल्व होते हैं, क्योंकि अभी 4 महीने के स्टॉप गैप अरेंजमेंट में उनका मूल्यांकन करना बहुत मुश्किल होगा, जिसमें कि थोड़े दिन 15 दिन उनके अलग अलग कामों में निकल गए, उसी के बीच में कई सारी बैठकें हुई, उसी के बीच में चुनाव की घोषणा हो गई। लेकिन निश्चित रूप से हरीश रावत वहाँ के एक सीजन नेता हैं, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, और नरेंद्र तिवारी के जाने के बाद हरीश रावत ही वहाँ के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, तो इसलिए उनसे तुलना करना अभी थोड़ा सा बेमानी होगा। बिल्कुल शंकर, जिस तरह से बात की जा रही है उनकी बहू को लेकर काफी विवाद हुआ है और एक ऐसा चेहरा रही है कहा जा रहा है कि जिसकी वजह से हरक जो है वो पार्टी से भिड़ गए या पार्टी के सामने खड़े हो गए, उनका कितना इन्फ्लुएंस है अभी उत्तराखंड में? क्या वो इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि पार्टी, कोई भी पार्टी उनको अपना चेहरा बना सकती है या नहीं बना सकती है? देखिए, हरक सिंह रावत की जो बीजेपी हाईकमान से या फिर स्टेट की पॉलिटिक्स में जो उनका मनमुटाव था, वो सिर्फ अपनी बहू की टिकट के लिए नहीं था। ये एक पुराना, काफी एक साल से ये दोनों के बीच में नुरा कुश्ती या रस्साकसी चल रही है। और एक्चुअली में जो आप देखें कि जो दूसरी पार्टियों से लोग बीजेपी में आए हैं, तो वहां पे बीजेपी का जो एक अपना कल्चर है उसमें एडजस्ट करना, एक एडजस्टमेंट बिठाना और उस कल्चर के हिसाब से अपने को ढालना, वो काफी बड़ी समस्या होती है ढेर सारे नेताओं को जो कि अलग अलग पार्टियों से आते हैं, जिसमें कि वैसी ही समस्या आपने देखा कि यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य और सैनी को हुई कि वो जिस बीएसपी कल्चर से आए थे वो बीजेपी के कल्चर में उस तरह से अपने को एडॉप्ट नहीं कर सके। दूसरी जो समस्या होती है कि जब आप किसी वैसी क्षेत्रीय पार्टी में रहते हैं या फिर जहां पर ज्यादा फ्रीडम आपको मिलता है, वहां पे बीजेपी जैसी सेंट्रलाइज पार्टी में जहां पर सारे डिसीजन एक तरह से या तो अमित शाह या नरेंद्र मोदी लेते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको डिसीजन लेने की उतनी छूट नहीं होती है, दूसरा की मलाई खाने की भी उतनी छूट नहीं होती है। तो ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से हरक सिंह रावत नाराज थे। वो अपने डिपार्टमेंट को लेकर, जिस तरह से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनके डिपार्टमेंट में ही अपने पसंदीदा ऑफिसर को बिठा रखा था, यानी कि हरक सिंह रावत को पूरी तरह से खुलेआम छूट नहीं थी अपने डिपार्टमेंट में काम करने की। एक जो जिस कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर विवाद हुआ, तो उसको भी समझिए कि वो काफी दिनों से एक मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहे थे कि उनके इलाके में मेडिकल कॉलेज हो, जिसको की अनुमति नहीं दी गई। बाद में जिस दिन कैबिनेट की बैठक में उन्होंने बायकॉट किया, छोड़कर चले गए, तो जब पुष्कर सिंह धामी ने अमित शाह को फोन किया कि अब इनका क्या करना है, ये तो कैबिनेट बैठक छोड़कर चले गए, तो अमित शाह ने धामी को कहा कि आप हरक सिंह को मनाने की बजाय सीधा मेडिकल कॉलेज की अनाउंसमेंट कर दो, ताकि हरक सिंह रावत की भी बात हो जाएगी और उनको मनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो एक तरह से जिस तरह की बीजेपी का जो कल्चर है, वहाँ की का जो पावर डायनेमिक्स है, वो बिल्कुल सेंट्रलाइज है। हर फैसले जो है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लेवल पे लिए जाते हैं। वैसे में जो ऐसे रीजनल जो छत्रप हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लीडर हैं, जो दूसरी पार्टियों से आए हैं, उनको काम करने की आजादी या फिर मलाई खाने की उतनी आजादी नहीं मिल पाती, जिसके कारण उनके अंदर बेचैनी रहती है और कई बार फिर वो अलग अलग कारणों को बता करके अपनी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जो इस समय हरक सिंह रावत के साथ हो रहा है। भास्कर, आपसे पूछ रहे हैं शंकर कि अभी आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में कौन कौन से इश्यूज अहम मुद्दे हैं? देखिए, किसी भी स्टेट में और खास करके उत्तराखंड जो राज्य है, वहां पर 2-3 जो मुख्य मुद्दा है। पहला जो मुख्य मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है, क्योंकि उत्तराखंड की राज्य का जो गठन हुआ था उसके बाद से वहां का जो ह्यूमन कैपिटल है वो या तो पहाड़ से माइग्रेट कर जाता है, दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में आ जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी वहां बहुत कम है। सरकारी नौकरियों के अलावा टूरिज्म ही एक मुख्य पेशा है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के समय में टूरिज्म बंद हो गया, लाखों वहाँ पे जो होटल्स थे, जो इस तरह की टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी देने वाली यूनिट्स थी, वो बंद हुए, तो उससे रोजगार की एक समस्या, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा इशू है उत्तराखंड में, और हर इलेक्शन में एम्प्लॉयमेंट एक वहाँ पे बड़ा इशू रहता है। दूसरे जो मुद्दे हैं वहाँ पे कि जो पानी की उपलब्धता है, वो पहाड़ी हिल इलाकों होने के कारण वहाँ की पानी की उपलब्धता बहुत कम है, जो ऊंचे इलाके हैं जो पहाड़ के, तो वो सारे मुद्दे, जो वाटर की कनेक्टिविटी है वो एक इशू है उत्तराखंड में। इसके अलावा जिस तरह से कोरोना का इम्पैक्ट हुआ और जो हेल्थ केयर की जो सेवाएं थी,
क्योंकि वहां पे हेल्थ केयर अलग अलग छोटी छोटी जगहों पे उपलब्ध नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री ने कुमाऊं के इलाके में एम्स जो ऋषिकेश है उसका एक सैटेलाइट सेंटर बनाने की बात कही है, लेकिन कुमाऊं के रीजन में अगर आप हल्द्वानी को छोड़ दें, पिथौरागढ़ को छोड़ दें, तो बाकी अल्मोड़ा को छोड़ दें, तो बाकी इतने बड़े इलाके में हेल्थ केयर की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे बड़े मुद्दे हैं जिसपे कि किसी भी पोलिटिकल पार्टी को ध्यान देना चाहिए, और हर पार्टी के जो नेशनल एजेंडा है, जो घोषणा पत्र है, उसमें इन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, न कि एक तरह से जो उत्तराखंड की पॉलिटिक्स राजपूत वर्सेस ब्राह्मण की चलती रही है कास्ट पे, उन पे ध्यान देना चाहिए और उस पे चुनाव होना चाहिए। अभी भास्कर एक और सवाल आपसे कर रहे हैं, वो पूछ रहे कि कुमाऊं में कांग्रेस पिछले इलेक्शन के बाद से कमजोर हुई है। देखिए, कुमाऊं जो इलाका है वो एक कांग्रेस का वैसे देखेंगे ट्रेडिशनल परंपरागत इलाका था, उनका गढ़ हुआ करता था, क्योंकि उनके जो दो बड़े नेता, तीन बड़े नेता उस इलाके से आए हैं, चाहे इंदिरा हृदेश हो, हरीश रावत हो, नरेंद्र तिवारी, ये सब उस इलाके से आते रहे हैं। और गढ़वाल का जो इलाका है वहाँ बीजेपी को ज्यादा सफलता मिली थी पिछले चुनाव में भी। तो इंदिरा हृदेश के जाने से वो जो बेल्ट है हल्द्वानी का बेल्ट, वहां पे कांग्रेस को सेटबैक मिला है, लेकिन चूंकि हरीश रावत फिर से गेम में आ गए हैं, तो इसलिए हरीश रावत इस बात को कह सकते हैं कि कुमाऊं से कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता है, वो ज्यादा सीटें जिताकर भेजे तभी कुमाऊं से मुख्यमंत्री होगा, लेकिन बीजेपी ने गेम करते हुए कुमाऊं के इलाके से मुख्यमंत्री दे दिया है। तो इसलिए वहां की जो पॉलिटिक्स है वो काफी इंटरेस्टिंग होगी कि खटीमा से मुख्यमंत्री होंगे, हरीश रावत भी उस इलाके से हैं, तो कुमाऊं की जनता मुख्यमंत्री का दो दो कैंडिडेट उनके इलाके से है, किसको चुनेगा और किसको सपोर्ट करेगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि वहां की जो कुमाऊं बेल्ट की जनता है वो किस पार्टी को सपोर्ट करती है और किस कैंडिडेट को वोट करती है। रूपक जैन आपसे सवाल कर रहे हैं शंकर, वो पूछ रहे हैं क्या उत्तराखंड में बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है या कांग्रेस जमीनी स्तर पर बराबरी पर है। देखिए, फिलहाल जो अगर आप देखेंगे जितने भी टेलीविजन चैनल्स के जो सर्वे हैं और जो अलग अलग सी वोटर के सर्वे हैं, वहां पर जो बढ़त है वो बीजेपी की दिख रही है और वो इस बात को कह रहे हैं कि बीजेपी की बढ़त है, लेकिन इन सर्वे और इन पोल्स के ऊपर हमें नहीं जाना चाहिए। एग्जैक्टली जब पोल होगा और वहां पे जो जनता जिस तरह से वोट करेगी उस पे देखने वाली बात होगी कि किस तरह से जनता किसको वोट करती है। चूंकि बीजेपी इस समय इनकम्बेंट है, वो पावर में है, वहां पे उनकी सरकार है, तो इसलिए कई बार जब पोलस्टर भी जाते हैं तो वो कई बार भूल कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वहां पे कोरोना के दौरान जिस तरह से जो हेल्थ केयर की स्थिति थी उसकी एंटी इनकम्बेंसी है या नहीं है, या कितनी एंटी इनकम्बेंसी है, जो वहां पे जिस तरह से लहर फैली, लोगों की मौतें हुई, वो कितना बड़ा इश्यू है। दूसरा, जो सरकार का कामकाज हुआ, जिस तरह से मुख्यमंत्री लगातार एक साल में तीन मुख्यमंत्री बीजेपी ने बदला, तो इसका साफ संकेत है कि बीजेपी के जो अपने पोलस्टर थे, जो उनके अपने इंटरनल सर्वे होते हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी दिखाया गया, इसलिए बीजेपी को मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो चार साल से मुख्यमंत्री थे और बहुत ही एक तरह से ऑनेस्ट मुख्यमंत्री माने जाते थे। तो इसका मतलब है कि एंटी इनकम्बेंसी थी, चाहे वो मुख्यमंत्री के काम करने की शैली, उनके काम करने के तरीके से हो, या फिर ब्यूरोक्रेसी वहां पे सरकार में हावी हो गई थी, जो बहुत सारे लोगों का कहना था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सबसे बड़ी जो कमी थी कि ब्यूरोक्रेसी वहां पे सरकार चला रही थी, तो इसकी वजह से एंटी इनकम्बेंसी थी। तो एक तरह से ये तो साफ हो गया कि एक साल में जब आपने तीन मुख्यमंत्री बदल दिए तो इसका मतलब है कि वहां पे एंटी इनकम्बेंसी है। अब उसका कितना फायदा कांग्रेस उठा ले पाती है, कितना वो उस कैंपेन को मोबिलाइज कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और बीजेपी कितना लास्ट मोमेंट में पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने चेंज करके जो एक ट्रम्प कार्ड खेला है वो कितना कामयाब होता है, वो एक तरह से नतीजे बताएंगे। भास्कर का एक और सवाल है आपके लिए, वो पूछ रहे हैं कि लैंड राइट्स के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या वो चुनाव में एक अहम मुद्दा है उत्तराखंड में। निश्चित रूप से लैंड राइट्स हर चुनाव में एक तरह से उत्तराखंड में ये मुद्दा होता है, क्योंकि जो उत्तराखंड की जनता है उनको लगता है कि जो बाहरी लोग हैं उन लोगों ने उत्तराखंड की जमीन को खरीद करके वहां पर जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, जिस तरह से होटल्स बनाए हैं और प्रोजेक्ट्स लगाए हैं, उससे उत्तराखंड की जो जनता है उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। और ये हर चुनाव में ये डिमांड होता है कि वहां पे एक सीलिंग लगा दी जाए, जिस तरह से हिमाचल में लैंड सीलिंग है,
कि कोई बाहरी व्यक्ति वहां पे लैंड नहीं खरीद सकता। तो ये हर चुनाव में होता है और हर चुनाव में ये लगता है कि अभी पिछले दिनों सरकार ने कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन भी की, लेकिन सरकार ने उस पर कोई बहुत ज्यादा उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आगे नहीं बढ़ी, तो सरकार को लगता था कि इसका ये बैकफायर भी कर सकता है। तो ये एक मुद्दा है और हर एक स्टेट में जो छोटे स्टेट हैं जहाँ की अपनी रीजनल एस्पिरेशन है वहाँ पर एक मुद्दा है कि वहाँ की जमीन बाहरी लोग न खरीदें और उस पर एक लैंड सीलिंग हो, जो कि उत्तराखंड में भी पहले था लेकिन बाद में उसको हटा दिया गया और उसके बाद उस सीलिंग को ढाई नाली तक कर दिया गया। तो ये एक मुद्दा है। अब सवाल ये है कि सरकार को देखना होगा कि इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए वो उस लैंड सीलिंग का कैसे इस्तेमाल कर सकती है और किस तरह से जो लोकल लोग हैं उनकी एस्पिरेशन, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकती है। लेकिन निश्चित रूप से चुनाव में ये मुद्दा है। बिल्कुल शंकर, एक और सवाल हरक रावत पे वापस आते हैं, काफी सारे सवाल हो गए हैं दर्शकों के। जिस तरह से अभी हरक रावत को देखा जाए, जितनी कॉन्ट्रोवर्सीज उनके इर्द गिर्द हुई है और जिस तरह से उनपे सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस लगे हैं और बाकी दल बदल को लेकर और बाकी जिस तरह से बयानात को लेकर, क्या कांग्रेस के लिए थोड़ा शक की निगाह से देखना अभी भी वो होगा? क्या इतने कांग्रेस के लिए रिलायबल हो सकते हैं हरक सिंह रावत जो है? देखिए, वैसे तो अब पॉलिटिकल पार्टियों में किसी भी रिलायबिलिटी कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है, विनिबिलिटी सबसे बड़ा फैक्टर है। पॉलिटिक्स में कोई भी रिलायबल नहीं हो सकता और सिर्फ जो कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है और जो बीजेपी है, जो कैडर बेस्ड पार्टी अपने को कहती है, हालांकि बीजेपी भी कैडर बेस्ड से मास बेस्ड पार्टी हो गई और इसीलिए जो एक समय में अरुण जेटली ये कहते थे जब उनसे हम लोग पूछते थे कि बीजेपी में जो इस तरह के टेंटेड लोग आ रहे हैं, तो जेटली का जवाब था कि जब कोई भी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी से मास बेस्ड पार्टी बन जाती है तो उसमें इस तरह के एलिमेंट आते हैं और आपको विनिबिलिटी देखना होगा। तो इसलिए अब चुनाव जो होते हैं वहां पे विनिबिलिटी सबसे जरूरी है, चाहे आप गुंडे हों, मवाली हों, आपके ऊपर ढेर सारे चार्जेज हों, वो सब कोई मायने नहीं रखता। आपने देखा होगा कि इस समय जो बीजेपी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी के ऊपर कि उन्होंने यूपी के ढेर सारे इलाकों में टेंटेड कैंडिडेट को उतारा है, तो आप ध्यान रखें कि मुजफ्फरनगर दंगे के ढेर सारे जो चार्जेस लगे थे वो संगीत सोम पे लगे थे, बालियान पे लगे थे, इसके अलावा ढेर सारे ऐसे लीडर, लेकिन सबको बीजेपी ने टिकट दिया, यहाँ तक कि मंत्री भी बनाया। तो इसलिए ये सारे चार्जेस बेमानी है कि कौन टेंटेड है, कौन नहीं है, कौन कितना रिलायबल है। असली मुद्दा है कि विनिबिलिटी, जो चुनाव में अब पॉलिटिकल पार्टियां देखती है कि ये कैंडिडेट जीत सकता है नहीं जीत सकता, ये पार्टी को पावर में ला सकता नहीं ला सकता, ये अपनी सीट निकाल सकता है नहीं निकाल सकता, जो कि हरक सिंह रावत के पास ये एबिलिटी है कि वो अपनी सीट निकाल सकते हैं। बकायदा इसके कि उनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेज हैं, वो एक तरह से करप्ट पॉलिटिशियन भी माने जाते हैं, करप्शन के भी चार्जेस लगे हैं। जो त्रिवेंद्र सिंह रावत एक तरह से अपने मंत्रिमंडल में उनके रहते हुए उनके ऊपर ये चार्जेस लगाते थे कि उनका जो मंत्रालय है वो एक तरह से करप्शन में इन्वॉल्व है। तो इसलिए ये सारे मुद्दे जो बेमानी होते हैं पॉलिटिक्स में, इस समय सिर्फ विनिबिलिटी देखी जाती है। रूपक जैन पूछ रहे हैं कि हरीश रावत जो है पिछले दो सीट पर हार चुके हैं इलेक्शन, और क्या अभी वो लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि वो लड़ रहे हैं? देखिए, हरीश रावत निश्चित रूप से वहां पे एक उन्हें पार्टी ने सीएम कैंडिडेट तो अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से कैंपेन कमेटी के वो मुख्य प्रमुख है तो एक तरह से डिफेक्टो सीएम कैंडिडेट के रूप में है। और जो छोटे स्टेट हैं और खास करके उन स्टेट में कई बार सीएम भी चुनाव हार जाता है, तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है कि चुनाव हारना है जीतना। लेकिन चूंकि हरीश रावत एक कद्दावर नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, तो इसलिए उनकी एबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा शंका करना सही नहीं होगा। यह अलग बात है कि अब उनकी एज हो रही है और वो इस चुनाव को एक तरह से अंतिम चुनाव कह के एक इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं कि ये उनका अंतिम चुनाव है, 70 साल एक तरह से उनकी उम्र हो गई है, और उस सिंपैथी वेव के सहारे कोशिश करें अगर हरीश रावत की वो इस चुनाव को निकालने की, तो शायद उन्हें थोड़ी बहुत ज्यादा कामयाबी मिल सकती है। हितेश पूछ रहे हैं कि आप जो आम आदमी पार्टी है उसके चांसेस के बारे में बात कर सकते हैं, वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को? देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए उत्तराखंड एक काफी सुटेबल स्टेट है, और जिस तरह से कोशिश अरविंद केजरीवाल ने शुरुआत में की थी कि उन्होंने एक सैनिक परिवार और उनके परिवार से एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया, क्योंकि छोटे स्टेट में
पॉलिटिक्स जहां पर आप अगर 2000-3000 के वोट से चुनाव जीता या हारा जा सकता है, तो वहां पर किसी भी पार्टी के लिए एंटर करना काफी फायदे की का सौदा होता है। और चूंकि उत्तराखंड की जो कंस्टिट्यूएंसी है वो छोटी छोटी कंस्टिट्यूएंसी है, इसलिए आम आदमी पार्टी वहां पे डेंट कर सकती है। और खास करके आम आदमी पार्टी एक तरह से जब वहां पे लड़ेगी तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस का नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी वोट है वो एक तरह से बटेगा और उसमें बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस का नुकसान होगा। लेकिन अभी जो दिख रहा है उसमें आम आदमी पार्टी की जो सक्रियता है वो पंजाब और गोवा में ज्यादा है। उत्तराखंड में उन्होंने अपनी एक्टिविटी को थोड़ा स्केल डाउन किया है। या अरविंद केजरीवाल आने वाले दिनों में वहां पे कैंपेन करेंगे, ये आने वाले दिनों में दिखेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए, आपके लिए उत्तराखंड एक बेटर प्रयोगशाला हो सकता है राजनीति के लिए एंटर करने के लिए, क्योंकि छोटा स्टेट है और वहां की जो कंस्टिट्यूएंसी है छोटी है, और वहां पर 500,000 वोट से कोई कैंडिडेट चुनाव हारता है जीतता है, तो वैसे में आम आदमी पार्टी के लिए एक मुफीद स्टेट हो सकता है उत्तराखंड। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे इस खास प्रोग्राम के लिए और इतनी तफसील में उत्तराखंड की जो सियासत है उसको समझाया आपने और इतनी आसानी से समझा दिया। आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने वक्त निकालकर इस प्रोग्राम को देखा और अपने सवाल जो है हमें भेजे, और उम्मीद है कि शंकर ने आपको आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया होगा और जो आपके डाउट रहे होंगे या सवाल रहे होंगे उनका जवाब आपको क्लियरिटी से मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई मुद्दा है या कोई भी सवाल है अगर आगे किसी चीज को लेते हुए, तो आप हमें भेज सकते हैं हमारे YouTube, ट्विटर और Facebook पर जाकर। अगर मैं कोशिश करूंगी, अगर जो आप मुद्दा हमें भेजें, जो सजेस्ट करें, उस मुद्दे को मैं अपने शो में लेकर आऊं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया शंकर जी, और अभी के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही।